Hello everyone, welcome to the video series of C programming. So in this video lecture I am going to start with next concept, that is looping. So basically bachcho, last video mein humne discuss kiya tha decision making statement ke bare mein, aur wahan maine different different type ke decision making ke bare mein bataya tha ki wahan pe decision making do tarah ke hote hain. Basically ek hota hai branching, jisme aapne dekha tha if else statement ke bare mein dekha tha, switch case ke bare mein dekha tha, aur ek part hota hai looping, जिसमें हम लोग लूपिंग के बारे में यानी लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं. लूपिंग को हम बच्चों इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं या उसे हम रिपीटिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं. बेसिकली क्यों यूज करते हैं बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट है. जब किसी भी स्टेटमेंट को आप एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते हैं सेम स्टेटमेंट को, तो वहां पर हम लूपिंग कंसेप्ट या इटरेटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं. जैसे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कोड है आपके पास, स्टेटमेंट है, आप उसको 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे. फायदा क्या है कि आपको सेम ही स्टेटमेंट को 10 टाइम्स रिपीट करने हैं तो या तो आप मैनुअली 10 टाइम्स प्रिंट करोगे उसको. नुकसान क्या होगा कि सबसे तो ये बोरिंग काम होगा, आपके प्रोग्राम का लेंथ को इंक्रीज कर देगा, और उसके साथ साथ जो है आपको टाइम टेकिंग भी होगा क्योंकि उसमें लिखने में आपको टाइम लगेगा मैनुअली. तो जब मान लीजिए आप 10 टाइम्स हो आप लिख सकते हो, 5 टाइम्स हो आप मैनुअली लिख सकते हो, बट सपोज करो जब हमें उस स्टेटमेंट को, किसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को 50 टाइम्स, 100 टाइम्स या 200 टाइम्स इस तरह से रिपीट करना हो, तो फिर वो बोरिंग हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा. तो इस कॉम्प्लेक्सिटी, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं, जहां पे उसके हेल्प से हम किसी भी स्टेटमेंट को एक पार्टिकुलर एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं. तो इसी के लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं बच्चों. अब लूपिंग की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे दो तरह के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं. एक होता है एंट्री कंट्रोल, यानी इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, और दूसरा होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप. ठीक है ना, एंट्री का मतलब ये एंट्री कंट्रोल यानी कंट्रोलिंग हम करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है बच्चों. कंट्रोलिंग करते हैं मतलब लूप को कितनी बार रिपीट करना, ये कंट्रोल हमें करना होता है. और ये कंट्रोल कहाँ पे करते हैं, हमेशा हम एंट्री पे करते हैं, इसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप. और जिस पे कंट्रोलिंग हम करते हैं एग्जिट पॉइंट पे, यानी जब हमारा कोड एक्सिक्यूट हो जाएगा तब हम डिसाइड करते हैं कि फिर से करना है या नहीं करना है, तो उसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप. और यदि हम स्टार्टिंग में ही करते हैं उसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं. तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा कि इफ कंट्रोलिंग इज डन एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द लूप दैट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, एंड इफ द कंट्रोलिंग इज डन एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ द लूप दैट इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप. अब यहां पे बच्चों फिर बात करते हैं फर्दर, हम इसके इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एंट्री कंट्रोल की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पे आपको मिलेंगे फॉर लूप एंड वाइल लूप. जब हम एंट्री कंट्रोल की बात करते हैं यानी इस दोनों लूप में जो कंट्रोलिंग होता है हमेशा एंट्री पॉइंट पे होता है, या कंडीशन चेकिंग जो होता है वो एंट्री पॉइंट पे होता है, इसीलिए हम इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं. एग्जिट की बात करते हैं बच्चों, तो एग्जिट मतलब कि यहाँ पे जो कंडीशन चेकिंग होता है एग्जिट पॉइंट पे होता है, तो उसको एग्जिट कंट्रोल लूप. एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपल सा एग्जाम्पल बच्चों बताऊंगा आपको. आपने कभी एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम दिया होगा किसी पे, तो आप जब जाते हो तो एट द एंट्री एंट्री पॉइंट पे ही आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है, देन ओनली आपको अलाउ किया जाता है. आपने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया होगा, आपने 10+2 का एग्जाम दिया होगा, तो आपने देखा होगा 5 डेज, यानी आप 5 डेज एग्जाम देते हो, हर दिन आपका जो है वहां पे चेकिंग होता है एडमिट कार्ड, वो कहाँ होता है, एंट्री पॉइंट पे ही होता है, देन आपको अलाउ किया जाता है. और ये हर दिन होता है, आपने 5 डेज एग्जाम दिया होंगे तो 5 टाइम्स चेक किया गया होगा. ठीक है, तो हमेशा एंट्री पॉइंट पे हुआ, तो ऐसे समझ सकते हैं. आप कभी मॉल गए होंगे बच्चों, आपने मॉल में देखा होगा जब आप एंट्री करते हो आपको कोई चेकिंग नहीं करता है, बट जब आप एग्जिट करते हो कुछ सामान परचेस करते हो, आपके पास थैला होता है, बैग होता है, तो उस बैग को वो चेक करता है कि आपने क्या क्या परचेस किया है. तो इतने समझ सकते हो यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल यानी एग्जिट पॉइंट पे जब आप बाहर जा रहे हो तब आपसे चेक किया जा रहा है. और एडमिट कार्ड की बात मैंने की जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे, एंट्री पॉइंट पे आपको चेक किया जा रहा है. कुछ वैसे ही कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर है कि यदि आप एंट्री पॉइंट पे चेक करोगे, जिस लूप में एंट्री पॉइंट पे चेक होता है उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, और वहां पे याद रखना है आपको फॉर लूप एंड व्हाइल लूप की बात करते हैं. और यदि आप एग्जिट पॉइंट की बात करो, कंट्रोलिंग एग्जिट पॉइंट पे करना है, कंडीशन चेकिंग एग्जिट पॉइंट पे करना है, तो वहां पे हम लोग डू व्हाइल लूप की बात करते हैं. तो बच्चों ये दो टाइप के लूप हैं जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा. थर्ड पॉइंट बच्चों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है
एवरी मतलब अब जब लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला कि आपको लूप को कंट्रोल करना है, आपको स्टेटमेंट को कंट्रोल करना है, रिपीटेशन को कंट्रोल करना है, उसके लिए कुछ चीजें जरूरत पड़ती है। वो क्या है? पहला इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है। क्या होता है बच्चों? फर्स्ट पार्ट होता है आपका इनिशियलाइजेशन। क्या होता है इनिशियलाइजेशन? यानी वहां पे एक इनिशियलाइजेशन करते हैं, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, उस वेरिएबल के बेस पे हम लूप को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो उस लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट हम सेट करते हैं उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करते हैं इसको। क्या अब मान लीजिए हर एक इटरेशन के बाद उस वैल्यू का, उस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा मतलब बढ़ेगा। और फिर चेक कंडीशन होगा कि बढ़ने के बाद क्या वो जो कंडीशन हमने सेट किया है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन हम उसको फिर से अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। उसको कहते हैं टर्मिनेशन कंडीशन। यानी ये तीन पार्ट बच्चों आपको हर एक कंडीशन में, हर एक लूप में मिलेगा। एक इनिशियलाइजेशन पार्ट क्योंकि स्टार्टिंग जिससे कर रहे हो आप, तो एक वेरिएबल यूज करते हैं लूपिंग के लिए, उस वेरिएबल के बेस पे हम लूप को कंट्रोल करते हैं और उस वेरिएबल को पहले स्टार्टिंग पॉइंट सेटिंग करना, दैट इज इनिशियलाइजेशन। हर एक इटरेशन के बाद उसका वैल्यू इंक्रीमेंट होता है बच्चों, और उसके बेस पे हम कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपडेशन, या इसको कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है। और हर एक इटरेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद, अपडेशन के बाद उस वेरिएबल के हम चेक करते हैं कंडीशन को कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो लूप रिपीट होता रहेगा, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है वो लूप क्या हो जाएगा? पर टर्मिनेट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो ये तीन पार्ट है बच्चों जो हर एक लूप में आपको मिलेगा। तो आई होप बच्चों आपको लूप के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप समझोगे हर एक लूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग फॉर लूप से करेंगे, फिर व्हाइल लूप से करेंगे, और फिर डू व्हाइल पे, और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में यही तक मैं रखता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लूप के बारे में स्टार्ट करूंगा जो कि फॉर लूप है।